यूपी के मथुरा में स्वाट टीम और कोसी कला पुलिस ने 20 अप्रैल को स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चे के अपहरण होने के महज 22 घंटे के भीतर बच्चे को बरामद कर लिया है। 20 अप्रैल को भारतपुरिया पेच स्थित सरस्वती स्कूल से लाला राम मार्ग कृष्णा नगर निवासी राजू का 7 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण दोपहर को करीब 3 बजे छुट्टी के बाद घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। इसकी सूचना जैसे ही परिवार सहित पुलिस को लगी तो कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बच्चे को सही सलामत बरामद करने के लिए स्वाट टीम और थाना सहित कई टीमों को लगा दिया। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी मदद की बात कही। इस पर लोगों ने पुलिस की मदद में अपने अपने सीसीटीवी खोजने शुरू कर दिए और जो भी नजर आया उसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने सभी जानकारियों को मिल रहे आउटपुट को कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए 21 अप्रैल को करीब 22 घंटे के बाद अपहरण किए गए बालक को थाना बरसाना के गांव महराना निवासी कृष्ण के खेत में बने कमरे से बरामद कर लिया। वहीं बालक लक्ष्मण ने बताया कि अपहरण करने वाले लोगों ने उसे नशीली गोलियां खिलाई थी, लेकिन वहीं एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सही सलामत बरामदगी के लिए टीम की सराहना की और कहा कि अपहरण में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक बरामद कर ली है और जल्द ही अपहरणकर्ता पुलिस के शिकंजे में होंगे, तभी इस अपहरण के पीछे के कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक की ओर से पुलिस टीम को 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। पुलिस को यह सफलता क्षेत्र अधिकारी चंद्रधर गौर के निर्देश में स्वाट टीम प्रभारी हरविंद्र मिश्रा और उनकी टीम के साथ थाना कोसी कला प्रभारी अमित करकन टीम के साथ मिली है। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिरुद्ध शर्मा की खास रिपोर्ट। और जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसके मुताबिक बहुत ही गंभीर घटना थी, इसमें ज़बरदस्ती उसे ले गए थे और इसमें एक चैलेंज था पुलिस के लिए। लगातार 24 घंटे पुलिस ने काम किया और इसमें हम लोगों ने सकुशल बच्चे की बरामदगी की है। मथुरा के जगह यहाँ पर इसको छोटे को रखा गया था। जो अभियुक्त हैं उनके नाम पते सब प्रकाश में आ गए हैं, वहाँ से भाग गए। पुलिस टीम लगातार कभी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके पीछे मोटिव क्या है इसका पता किया जा रहा है, लेकिन हमारा प्राथमिक उद्देश्य जो है वो बच्चे का सबसे बड़ा मामला था, तो इसमें हम सफल हुए हैं। बाकी आगे जारी। धन्यवाद।